नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही रोजर फेडरर का टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान। रोजर फेडरर के संन्यास की खबर इस हफ्ते सोशल मीडिया पर छाई रही। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। बात करेंगे चैंपियंस लीग की भी, तो शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में शुमार रोजर फेडरर ने टेनिस को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। रोजर फेडरर अगले हफ्ते शुरू हो रहे लेवर कप के बाद प्रतिस्पर्धात्मक टेनिस से संन्यास लेने जा रहे हैं। फेडरर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के साथ संन्यास का ऐलान किया। फेडरर के संन्यास की खबर के साथ ही टेनिस की दुनिया में एक युग का अंत होने जा रहा है। रोजर फेडरर भले ही टेनिस को अलविदा कहने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने टेनिस की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। दुनिया भर में फैले फेडरर के करोड़ों प्रशंसक उन्हें लगातार अनवरत टेनिस खेलते देखना चाहते हैं। फेडरर अपने खेल कौशल, अपनी उपलब्धियों, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार के चलते एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि टेनिस की दुनिया में उनके संन्यास के बाद एक बहुत बड़ा खालीपन देखने को मिलेगा। रोजर फेडरर की उपलब्धियां गिनना आसान नहीं, कुछ बातें आंकड़ों में समझाई नहीं जा सकती और टेनिस की दुनिया में फेडरर का योगदान सिर्फ उनकी रैंकिंग और उनके खिताबों तक सीमित नहीं है। फेडरर ब्रांड ऑफ टेनिस हमेशा अपनी शालीनता और अपनी सुंदरता के लिए याद रखा जाएगा। कागजों पर देखी जा सकने वाली उपलब्धियों पर नजर डालें तो फेडरर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बावजूद 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने। नोवाक जोकोविच के बाद वे सबसे ज्यादा हफ्तों के लिए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रहे। फेडरर ने 31 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले, जिसमें रिकॉर्ड 10 ग्रैंड स्लैम फाइनल लगातार खेले। फेडरर के समकालीन खिलाड़ियों ने उन्हें रिकॉर्ड 13 बार स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड के लिए चुना, जो अपने समकालीन खिलाड़ियों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने ATP फैंस फेवरेट अवार्ड लगातार 17 बार जीता। वे 5 बार ATP प्लेयर ऑफ द ईयर और ITF विश्व चैंपियन बने। उन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड रिकॉर्ड 5 बार जीता। उन्होंने 2005 से 2008 के बीच ये खिताब लगातार 4 बार जीता। वे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने BBC ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 4 बार जीता। उन्होंने अपने समय के और अपने से पहले के कई महान खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया। पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, एंडी रॉडिक, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, सबके साथ वे कोर्ट पर नजर आए। महानतम टेनिस खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद फेडरर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम करने में कामयाब रहे। वे 36 साल की उम्र में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी की रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने। फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 बार, फ्रेंच ओपन 1 बार, US ओपन 5 बार और विंबलडन रिकॉर्ड 8 बार जीता है। विंबलडन उनका पहला ग्रैंड स्लैम था और समय के साथ साथ रोजर फेडरर और विंबलडन एक दूसरे के पर्याय बन गए। विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर सफेद कपड़ों में रोजर फेडरर की शालीन छवि टेनिस प्रेमियों के जेहन में सदा बनी रहेगी। फेडरर 2004 में नंबर एक बने थे और 2008 तक शीर्ष पर बने रहे। इस दौरान टेनिस की दुनिया में उनका जैसा वर्चस्व देखने को मिला वो ओपन एरा में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने 2004, 2006 और 2007 में 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते। क्ले कोर्ट के साथ उनका रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। अपने करियर और खेल के चरम पर भी फेडरर क्ले कोर्ट पर उतने सशक्त नजर नहीं आए। हालांकि 2009 में नडाल के जल्दी हारकर बाहर होने के बाद फेडरर अपने करियर का एकमात्र फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाब रहे और करियर स्लैम पूरा किया। जब भी टेनिस इतिहास के सबसे रोमांचक और सबसे यादगार मुकाबलों की बात की जाएगी तो रोजर फेडरर उस मैच में किसी एक छोर पर जरूर खड़े नजर आएंगे। हारने के बावजूद कई बार मैच का सबसे अच्छा शॉट उनके ही रैकेट से आता था। 2001 में उन्होंने विंबलडन में सैम्प्रास का 31 मैच का विजयी रथ रोका।
2009 के विंबलडन फाइनल में उन्होंने 4 घंटे से ज्यादा चले मैच में एंडी रॉडिक को हराया। फेडरर के समकालीन महान खिलाड़ियों में 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल और 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच हैं। इन बिग थ्री ने मिलकर पिछले 2 दशक में टेनिस की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। हर खूबसूरत चीज कहीं ना कहीं आकर खत्म हो जाती है। रोजर फेडरर के करियर पर भी अब पूर्ण विराम लग रहा है, लेकिन फेडरर की मोहक मुस्कान की ही तरह उनका खूबसूरत खेल भी हमेशा टेनिस प्रेमियों के मन में बसा रहेगा। इन तमाम खूबसूरत यादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोजर। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रोजर फेडरर के संन्यास की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई। दुनिया भर में फैले फेडरर के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर के संन्यास के ऐलान ने दुनिया भर में फैंस को चौंका कर रख दिया। उनके इस फैसले से फैंस निराश हैं। फेडरर अगले हफ्ते होने वाले रोड लेवर कप में आखिरी बार टेनिस कोर्ट में दिखेंगे। फेडरर आखिरी बार पिछले साल जुलाई में विंबलडन में खेले थे। उस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में उन्हें पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने हरा दिया था। इसके बाद से फेडरर लगातार घुटने में चोट की समस्या से जूझ रहे हैं। अब वह लेवर कप में डबल्स मैच खेलते नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट में वह राफेल नडाल के साथ टीम बनाते नजर आएंगे। फेडरर के संन्यास के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। नडाल से लेकर सचिन तेंदुलकर ने फेडरर के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर कई बार फेडरर के मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में दिख चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फेडरर की तस्वीर पोस्ट करते हुए भावुक मैसेज लिखा। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, रोजर फेडरर क्या शानदार करियर रहा, हमें आपके टेनिस से प्यार हो गया, धीरे धीरे आपकी टेनिस की आदत हो गई थी और आदतें कभी खत्म नहीं होती, वह हमारा हिस्सा बन जाती हैं, सभी अद्भुत यादों के लिए धन्यवाद। वहीं सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल ने अपने दोस्त फेडरर के लिए लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय रोजर, मेरे दोस्त और प्रतिद्वंदी, काश यह दिन कभी नहीं आता, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और दुनिया भर के खेलों के लिए एक दुखद दिन है। कोर्ट के अंदर और बाहर इतने अद्भुत पलों को जीकर आपके साथ इतने वर्षों को साझा करना खुशी, सम्मान और सौभाग्य की बात है। नडाल ने आगे लिखा, हमारे पास भविष्य में एक साथ साझा करने के लिए कई और क्षण होंगे, अभी भी बहुत सी चीजें एक साथ करनी है, यह हम जानते हैं। अभी के लिए मैं वास्तव में आपके परिवार के साथ सभी खुशियों की कामना करता हूं। मैं आपसे लंदन में मिलूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। उन्होंने लिखा, एक युग का अंत, रोजर फेडरर आपको बधाई, कई लोगों को आपने खेल से प्यार करना सिखाया, एक शानदार करियर के लिए आपको बधाई। वहीं दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग ने कहा, रोजर फेडरर चैंपियन के चैंपियन हैं, वह अपनी जनरेशन के सबसे कंप्लीट प्लेयर हैं। कोर्ट पर अपनी अद्भुत तेजी और तेज दिमाग से उन्होंने दुनिया भर में कई लोगों का दिल जीता। उनके पास एक ऐतिहासिक करियर की कई यादें हैं जो कई युगों तक बने रहेंगे। रोजर फेडरर आपको बधाई, आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने 24 साल के टेनिस करियर में रोजर फेडरर ने अनगिनत खेल प्रेमियों को अपना दीवाना बनाया है। जाहिर है संन्यास की खबर से उन सभी के चेहरों पर मायूसी है, लेकिन साथ ही वे इस बात से भी खुश हैं कि उन्होंने महान रोजर फेडरर को खेलते देखा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए खेल आजकल। पावर ग्रिड, अ महारत्न पीएसयू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ कंट्री, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. बहु कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव, और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार,
इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज मंगलवार से शुरू होगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच नागपुर में और तीसरा मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। ये सीरीज अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी, वहीं एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। दोनों टीमों के बीच T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 23 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 मैच अपने नाम किए हैं, वहीं एक मैच बेनतीजा रहा। भारतीय जमीन पे ऑस्ट्रेलिया के T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच भारत में अब तक 7 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 4 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के लिए भारत ने सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन समेत कई अहम खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। ये दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। ऐसे में दोनों देशों के साथ खेले जाने वाली ये सीरीज भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम की कोशिश जीत दर्ज करते हुए लय में आने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम तैयारियों में जुट गई है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि T20 विश्व कप से पहले ये सीरीज टीम के लिए अभ्यास का अच्छा मौका है। The amount of cricket that we play, all three forms of the game, it's not always easy to keep everyone playing all the games, all the formats. So we've always tried to manage players workload and everything, but now that we know the World Cup is just around the corner, we wanted to play as a unit and play with that same particular squad. Of course there are a couple of guys missing, but pretty much okay with that, because you have to look after everyone, and we want everyone to be fresh at the World Cup. रोहित शर्मा ने कहा कि KL राहुल टीम के ओपनर होंगे और बतौर ओपनर कई बार उनका योगदान अनदेखा चला जाता है। We are very clear with what KL brings to the table for us. He is a very very important and a quality player and a match winner as well. So his presence at the top is very very crucial for us. रोहित ने कहा कि एशिया कप से टीम ने बहुत कुछ सीखा और कई सकारात्मक पहलू भी निकलकर सामने आए, जिनमें से एक अर्शदीप भी है। एक्सेप्ट फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, वी बैटेड इन ऑल 4 गेम्स, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी स्लाइटली चैलेंजिंग। जो दुबई की जो कंडीशंस है, 10 सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि ड्यू थोड़ा आ जाता है। हमने 4 मैच में सेकेंड बैटिंग करके अच्छा रन बनाया और अच्छा फाइट किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था। हमने कोई भी वो दो गेम जो हम हारे पाकिस्तान और श्रीलंका गेम में, हमने गिव अप नहीं किया। सामने वाले लोग भी खेलते, कभी कभी यू हैव टू अप्रिशिएट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद हाउ वी बोल्ड इन द डेथ, क्योंकि अर्शदीप खास करके मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हाई प्रेशर सिचुएशन में आके इतना कंपोजर दिखाया जो कि काफी काबिले तारीफ थी। ऐसे ऐसे तरीके से बॉल डालना, अपने यॉर्कर्स को हिट करना, इट इज नॉट ईजी। बॉस उनका पहला साल है इंटरनेशनल क्रिकेट में और इतना आके उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, तो ये सब पॉजिटिव थे। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम के बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि वे टीम में गेंदबाजी में विविधता चाहते हैं, जो डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सके।
We always wanted to have variety in our attack. We never wanted to go into the World Cup with one dimensional attack, which is why you see in our squad we've got Bhuvi, who swings the ball up front and has so much quality at the top. Then we've got Bumrah. We all know his quality, can bowl in any phase of the game. Then there is Herschel. You know, his variations, his skill set in the middle overs will come in handy for us. And then there's Hardik. Then there is Ashdeep. You know, these are the five seamers who are part of the World Cup team. So they bring different things, you know, to us. And then we've got three quality spinners. Chahal, we've all seen like how, what sort of quality he is. And, you know, when he is in rhythm, good rhythm, he can destroy the opposition. And then Aksar, obviously, you know, we needed an all-rounder there because Jadeja was a big miss for us. And we wanted a quality of Aksar because Aksar was always part of our plans. It was always going to be between Aksar and Jadeja because they do pretty much similar things. So since Jadeja is not available, there was no other option for us. We were quite clear that Aksar is the guy who can do the job for us. Ravi Ashwin, we wanted an offie to take the ball away from a left-hander, and also with his new variations that he started, can bowl to the right-hander as well anytime. So I wanted a left-armer, left-arm spinner, leg spinner and an off-spinner. I thought having variety in your team is more important than going with similar options. And Ashwin with his batting as well, I'm quite impressed. So as in when he plays, you know, we can extend our batting till 9, which will be damn good for us. वहीं भारतीय कप्तान का मानना है कि विराट कोहली टीम में तीसरे ओपनर का अच्छा विकल्प है। कोहली ने हाल ही में एशिया कप में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। बात हुई थी कि विराट को हमको ओपन कराना पड़ेगा कुछ मैचों में क्योंकि हमारे थर्ड ओपनर वही है तो वो आई थिंक लास्ट मैच में हमने देखा और हम काफी खुश है उनके वो पोजिशन से तो I don't think we're going to probably experiment for that position a lot. अगले महीने शुरू होने वाली भारत की घरेलू T20 सीरीज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक नए नियम के साथ खेली जाएगी। इस सीरीज में BCCI ने इंपैक्ट प्लेयर का नया नियम शामिल करने का फैसला किया है। नए नियम को लेकर BCCI ने सभी राज्य क्रिकेट बोर्ड्स को एक सर्कुलर भेजा है। BCCI का मानना है कि इस नियम के लागू होने से क्रिकेट और अधिक रोमांचक होगा। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में इस रिपोर्ट में। क्रिकेट में नियमों में बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है। इस खेल को और अधिक रोचक बनाने के लिए इसके नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में BCCI ने क्रिकेट को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए इसमें एक नया नियम जोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल BCCI भारत की घरेलू T20 क्रिकेट सीरीज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इम्पैक्ट प्लेयर का नया नियम लेकर आई है। इम्पैक्ट प्लेयर के नए नियम के अनुसार क्रिकेट मैच में अतिरिक्त खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। इससे मैच के दौरान भी टीमें अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए परिस्थिति के हिसाब से योजना तैयार कर सकेंगी। इस नियम के अनुसार टॉस के दौरान दोनों टीमों को अपने प्लेइंग 11 बताने के साथ साथ 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का विकल्प भी बताना होगा, जिसमें से मैच के दौरान सिर्फ एक खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि यह टीम और टीम के कप्तान पर निर्भर करेगा कि वे अपने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर को किसी भी पारी के 14वें ओवर के पूरा होने से पहले किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस नियम के तहत कोई खिलाड़ी अगर किसी खिलाड़ी की जगह टीम में आता है तो बाहर जाने वाला खिलाड़ी दोबारा किसी भी स्थिति में उस मैच में मैदान पर नहीं उतर सकेगा। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को लेकर BCCI ने सभी राज्य क्रिकेट बोर्ड को एक सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि T20 क्रिकेट जिस तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है उसे देखते हुए यह जरूरी है कि हम इस खेल में कुछ नई चीजों को पेश करें। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में नई चीजें के आने के बाद ये और अधिक आकर्षक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का नियम पहली बार किसी खेल में लागू हो रहा है। क्रिकेट से पहले इम्पैक्ट प्लेयर का नियम फुटबॉल, रग्बी और बास्केटबॉल जैसे खेलों में पहले से जारी है, जिसमें मैच के दौरान ही टीम अपने खिलाड़ियों में बदलाव कर सकती है।
उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह नियम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सफल रहा तो इसे आईपीएल में भी लागू किया जा सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं फुटबॉल की। ड्यूरेंट कप 2022 में आज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में बेंगलुरु एफसी का सामना मुंबई एफसी से होगा। दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है। बेंगलुरु एफसी ने रोमांचक सेमीफाइनल में हैदराबाद एफसी को 1-0 से हराने में सफलता पाई थी। दूसरी तरफ मुंबई एफसी ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। ये पहला मौका है जब मुंबई एफसी की टीम फाइनल में पहुंची है। ग्रुप दौर में मुंबई का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। ग्रुप बी में मुंबई एफसी 4 मैच में 2 जीत 1 ड्रॉ और 1 हार के साथ 7 अंक लेकर शीर्ष पर रही थी। दूसरी तरफ बेंगलुरु एफसी ने ग्रुप ए में 2 जीत और 2 ड्रॉ के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वो प्रतियोगिता के मौजूदा सत्र में अब तक अजेय रही है। बात करते हैं चैंपियंस लीग की। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल करके ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। रियल ने आरबी लाइप्ज़िग को हराने में सफलता पाई। वहीं मैन सिटी ने बोर्शिया डॉर्टमुंड को हरा दिया। चेल्सी को जहां साल्ज़बर्ग के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा, वहीं पीएसजी, बेनफिका, एसी मिलान और नेपोली ने अपने अपने मुकाबले जीते। बुधवार की रात खेले गए चैंपियंस लीग के मुकाबलों में गत विजेता रियल मैड्रिड ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। सत्र में अब तक कोई मैच नहीं गंवाने वाली रियल ने जर्मन क्लब आरबी लाइप्ज़िग को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इस मुकाबले के शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। मैच के अधिकांश समय स्पेनिश टीम गोल करने का ही प्रयास करती नजर आई। मैच के अंतिम 10 मिनटों में रियल ने अपना आक्रमण तेज कर दिया। 80वें मिनट में वोल्वर्दे ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। वहीं एसेंसियो ने मैच खत्म होने से ठीक पहले रियल के लिए दूसरा गोल किया। इस जीत के साथ स्पेनिश टीम के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो चैंपियंस लीग में 100 मैच जीतने वाले मैनेजर बन गए हैं। एक अन्य मुकाबले में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जर्मन क्लब बोरुशिया डॉर्टमुंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बाद सभी गोल दूसरे हाफ में देखने को मिले। डॉर्टमुंड ने 60वें मिनट में जूड बेलिंगम के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। हालांकि 80वें मिनट में सिटी के स्टोन्स ने डी ब्रॉइन से मिले पास पर गोल करके मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। 4 मिनट बाद ही सिटी के अर्लिंग हॉलैंड ने अपने पूर्व क्लब के खिलाफ गोल करके टीम को 2-1 से जीत दिला दी। प्रतियोगिता में सिटी की ये लगातार दूसरी जीत है। इसी के साथ वो ग्रुप जी में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। ग्रुप एच में पेरिस सेंट जर्मेन ने मकाबी हाइफा के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज करने में सफलता पाई। मैच भले ही पीएसजी जीतने में सफल रही हो, लेकिन पहला गोल मकाबी हाइफा की तरफ से हुआ। एक गोल से पिछड़ने के बाद पीएसजी ने जोरदार वापसी की और 37वें मिनट में मैसी ने गोल करके टीम को बराबरी पर ला दिया। मैच के 69वें मिनट में किलियान एम्बापे ने गोल करके फ्रेंच क्लब को 2-1 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से कुछ समय पहले नेमार ने गोल करके टीम को 3-1 से जीत दिला दी। इंग्लिश क्लब चेल्सी को चैंपियंस लीग के मौजूदा सत्र में अभी तक जीत नसीब नहीं हो पाई है। पहले मैच में हार झेलने वाली चेल्सी को ग्रुप के दूसरे मैच में साल्ज़बर्ग के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। रहीम स्टर्लिंग ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल करके चेल्सी को 1-0 से आगे किया। हालांकि 75वें मिनट में साल्ज़बर्ग के ओकाफोर ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। एक अन्य मुकाबले में इटालियन क्लब नापोली ने प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत हासिल की। नापोली ने रेंजर्स को 3-0 से शिकस्त दी। इटालियन क्लब की तरफ से 3 गोल मैच के दूसरे हाफ में हुए। इसमें से 2 गोल मैच के अंतिम 5 मिनट में हुए। इस जीत के साथ नापोली ग्रुप ए में 6 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। पुर्तगाल के क्लब बेनफिका ने एक रोमांचक मुकाबले में इटालियन क्लब यूवेंटस को 2-1 से शिकस्त दी। यूवेंटस ने 4th मिनट में गोल करके मैच में बढ़त ले ली। हालांकि पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले बेनफिका के मार्लो ने पेनल्टी पर गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में डेविड नेरस ने गोल करके बेनफिका को 2-1 से जीत दिला दी। इटालियन क्लब एसी मिलान ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए डायनामो ज़ाग्रेब को 3-1 से हरा दिया। मिलान के लिए ओलिवर जीरो ने 45वें मिनट में पहला गोल किया। वहीं सेल मेकर्स और पोवेगा ने 1-1 गोल करने में सफलता पाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।
तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।